तो नमस्कार, सिला फैशन बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम बैलून टॉप बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा कपड़ा है। बैलून टॉप की लंबाई लेंगे हम 24 की। अच्छा, 24 की लंबाई के लिए हमें 3 इंच ऐड करना होगा, क्योंकि 10 इंच का बीच में ऊपर चोली चढ़ाऊंगी मैं, ठीक। अब ये हमारी लंबाई है इसकी, लंबाई है इसकी 35 की। फालतू कपड़ा निकाल देंगे, 10 इंच पहले 10 इंच निकालेंगे ऐसे करके। ये 10 इंच हम निकाल देंगे इसमें से। ठीक है, 10 इंच का तो निकल गई है हमारी ऊपर की जो हम चोली बनानी है। अब 17 इंच का चाहिए हमें नीचे, क्योंकि हमारा है 24 का तैयार, और 3 इंच ऐड हो जाएंगे। 1 इंच तो यहाँ के लिए, आधा इंच ऊपर के लिए, और 1.5 इंच नीचे जो हमने रबड़ डालने हैं उसके लिए, ठीक। अब ये निकाल देंगे 17 इंच का। तो चुनटे बनेगी इस पूरे कपड़े की, तो दोनों पार्टों के लिए इसको अलग कर देते हैं। इस सारे कपड़े से हम चुनटे बनाएंगे। ये हमारा कपड़ा इन दोनों के लिए, इसको रख देते हैं। अब ऊपर कटिंग होगी हमारे कपड़े की, ये रहा हमारा कपड़ा। इसमें कटिंग करेंगे। स्लीवलेस है तो इसमें इतनी ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है, मुड्डे की मुड्डा हम कम ही लेंगे। साढ़े सात तो है तीरा, और 6.5 है हमारा मुड्डा, इसलिए 6.5। अब लेंगे यहाँ पे 7.5, और छाती कितनी हमारी, छाती 9.5 है, और ये 1 इंच हमारा 10.5 है। ये हमारा है सिलाई के लिए। ये चीज़ होती है ना, ये जो निशान होता है तीरे और छाती के बीच का जो गैप होता है, 2 इंच है ये, ठीक है। ये 2 इंच ही यहाँ पे लगाएंगे ऐसे, ठीक, यहाँ पे, और इसको हल्के हाथ से ऐसे गुड़ाई कर देंगे। ओके, अब इसकी कटिंग करेंगे। इसमें कमर की छटाई नहीं होती। अच्छा, जो हमारे 17 इंच का है ना, ये 17 इंच का कपड़ा जो लंबाई थी इसकी, अब चुनटे डालेंगे इसमें। ये हमारी थोड़ी सी बीच बीच में, या तो 2 चुनटे, एक ही चुनट डल जाती है वो डाल लें। ये इतनी यहाँ पे हम इसकी चुनटे बना देंगे धागे से। हमारा कपड़ा है। अच्छा, अब इसकी छटाई कर ले गले की, आगे वाले की और पीछे वाले की। ढाई इंच, 4.5 इंच, ठीक।
ये तो आगे वाला है। पीछे का ये हमारा पीछे वाला पार्ट। ढाई और तीन का ये है, ढाई और ये है तीन। यहाँ पे भी हल्के अच्छे से गुड़ाई ठीक है, हो गया। ये हमारा आगे का, ये है पीछे का, दोनों पार्ट हमारे गले कट के हो गए तैयार। हम करेंगे स्टिचिंग। ठीक है, अब सिलाई शुरू करते हैं। ये जो हमारा ऊपर का है ना पोर्शन, ये इसके अकॉर्डिंग निशान लगाएंगे। इसके अकॉर्डिंग इसको यहाँ से देखो, ये जो ओपन है ना, यहाँ से इस पर सिलाई या माप लेंगे कितना एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा है। इसको आराम से ऐसे, ठीक है, ये है हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा। यहाँ पर निशान लगा देंगे चौक से ऐसे, और नीचे भी लगा देंगे ऐसे ही, कि इतना ही कपड़ा है हमारा, और यहाँ पर भी लगा देंगे सेंटर में भी। ठीक है, हो गया हमारे तीन निशान। इसको अब उठा के रख देंगे और इसको सीधा करेंगे। जो प्लेट डालते हैं ना सलवार में बैक वाली, वो प्लेट डालेंगे यहाँ पे। देखो, देखिए ये तीन निशान हो गए ना, ये निशान उठा के और इस निशान के ऊपर रखना हमने ऐसे, ये रख दिया, और ये उठा के ऐसे रखेंगे। चल इसको इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। ये हमारा है, अब इसको रख देंगे यहाँ पे इसी के बिल्कुल टच में। प्लेट डल गई यहाँ पे। अब हमारा ऊपर की जो चोली है ना, वो देखिए ये प्लेट डल गई। अब ये जो ऊपर की चोली है इसके साथ इसको अटैच करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, सिल देंगे इसको। अब इस पर एक बैठी मशीन लगा लेंगे इसके ऊपर, यहाँ पे बैठी सीधा ऊपर की तरफ इसका मुंह करेंगे और यहाँ पे लगा देंगे बैठी। लग गई हमारी मशीन। अब मुड्ढे जोड़ेंगे, एक साइड के मुड्ढे जोड़ के
ऐसे बैक वाले को कर देंगे, ठीक है। बैक वाले में भी एक चुनट डालेंगे और ऐसे उसको अटैच कर देंगे और फिर मुड्ढे जोड़ के जोड़ेंगे। फिर जो पट्टी लगती है ना हमारी रेब वाली पट्टी, वो लगाएंगे इसमें। हो गया, ये हमारे दोनों पार्ट ऐसे ही हमने चुनट डाल ली है कि बीच वाली सेंटर वाली, ठीक। अब इनके मुड्ढे अटैच कर देंगे। देखिए यहाँ से एक मुड्ढा अटैच करेंगे, दोनों नहीं करेंगे। इस पर पट्टी लगनी है। अब यहाँ से शुरू करेंगे पट्टी लगानी और चारों तरफ से घुमा के लेके आएंगे। ये है हमारी रेब वाली पट्टी, ठीक है। ऐसे लगाएंगे इसके ऊपर, शुरू करेंगे ऐसे इसको। ये हमने एक मुड्ढा जोड़ा है, दोनों नहीं जोड़े हैं, ठीक है। ये ध्यान रहे क्योंकि ये हमने पट्टी लगानी है तो ये गोल। एक पैर की सिलाई लगानी है इसमें हमारी पट्टी है। ऐसे हैं जो हमने सिलाई लगाई ना एक पैर की, ये चारों तरफ से घुमा देंगे। अब कि जो दूसरा मुड्ढा था ना, ये हमने पट्टी लगा ली, कि जो दूसरा मुड्ढा हमने अटैच नहीं किया था ना, अब इसको अटैच करेंगे। ऐसे जो हमारी पट्टी है ना, इसको ऐसे बाहर की तरफ खोलेंगे और ऐसे इसको सिलाई लगा देंगे, इसको मतलब अटैच कर देंगे। दूसरा मुड्ढा, पहले मुड्ढा तो हमने कर ही दिया था, दूसरा भी हो चुका है। अब लगाएंगे इसकी सिलाई, जो हमारी पट्टी है ना, ये पट्टी यहीं से शुरू कर देंगे। इसको ऐसे अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे और एक एक सिलाई लगाते चले जाएंगे चारों तरफ से। गले में पट्टी कंप्लीट हो जाएगी। फिर ऐसे ही चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। गले वाली पट्टी होगी कंप्लीट ऐसे। अब लगाएंगे मुड्ढे पे, यहाँ पे ये पट्टी हमारी ऐसे जैसे हमने गले पे लगाया था ना फोल्ड करके, ऐसे एक पैर की सिलाई लगानी होती है इसमें दबाव के लिए। लगा दी हमने पट्टी मुड्ढे पे, एक्स्ट्रा को हम काट देंगे। ये हमारा दूसरे मुड्ढे पे लगी है पट्टी, इसको थोड़ा सा। अब ये जो हमारा कपड़ा है ना, थोड़ा सा ज़्यादा है, हल्का सा कहीं बार कहीं अंदर है, पीस फिनिशिंग करेंगे। फिनिशिंग कर लेते हैं फिर।
अब इस पर हम सिलाई लगा देंगे। जो हमारी पट्टी है इसको अंदर की साइड में ऐसे जो गले पे लगाया था ना ऐसे ही लगाएंगे इसको भी। ऐसे ही दूसरी पट्टी भी लगा लेंगे इसी की तरह। हमारी पट्टी लग चुकी है ठीक है, गले वाले भी और दोनों मुंडे वाले भी, तो हम फिटिंग लगाएंगे। अब इसमें रबड़ डाल देंगे। रबड़ डालेंगे ऐसे, यहां से शुरू करेंगे। दूसरी साइड में मैंने ये सिलाई लगा दी है। ये हमारी रबड़ है ठीक है, जितना हम टाइट डाल सकते हैं ना उतना इसको काट लेंगे। इतना भी हम इसको स्ट्रेच कर लें, स्ट्रेच करके देख लें, हिप्स के अकॉर्डिंग डालते हैं इसको। यहाँ से शुरू करेंगे अब इसको, जो हमारा जॉइंट था ना ये रहा जॉइंट, इसे भी रखेंगे ऐसे। पहले इस पर यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे ऐसे कर रख के इसको इसके ऊपर। एक पैर अंदर की साइड में रखेंगे इसको पहले। एक पैर अंदर रख के और उसको यहाँ पे टाइट कर लेंगे थोड़ा सा। अब ऐसे ऐसे इसको दबाएंगे और सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर। ऐसे सीधा रखेंगे और यू और फिर इसको खींचेंगे। ऐसे हमारे फंटे शुरू हो जाएंगे। ऐसे सीधा रखेंगे और इसके नीचे ऐसे दबा के हाथ से और रबड़ को हम थोड़ा खींच लेंगे। ऐसे हमारी चुनटे शुरू हो जाएंगे। पूरे घेर में ऐसे चुनटे डालते रहेंगे, थोड़ा इसको खींचे रखे। ना चुनट आपको ये ऐसे शुरू हो रही है, ऐसे इसको सीधा रखें। इसके नीचे एक पैर का कपड़ा ऐसे दबाएं हाथ से और इसको हल्के हाथ से बिल्कुल टाइट खींच देंगे। इस
इस थोड़ा सा ऐसे करने। ध्यान रे रबड़ को सीधा रखना है, ठीक है। फिर इसको ऐसे खींचना है, फिर सिलाई लगानी है। बल्कि ना आगे वाले पार्ट में ऐसे चारों तरफ से हम घुमा के लेके आएंगे इसको, ठीक है। ये हमारी चारों तरफ से रबड़ डल गई है, अब इसको सीधा करते हैं। ये हो गया हमारा बलून टॉप तैयार। नीचे से ये लुक है हमारी। नीचे हमने रबड़ डाल दिया है, बलून हो गया है।